फिर वही 2-3 बजे से हल्दी की रस्म शुरू होती है, तेल चढ़ाना, चाकी काढ़ी होना, बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। तो हम लोग पहले भाभी जो थी वो मंदिर में तेल हल्दी चढ़ाने गए, उसके बाद ही घर में लड़ कार्यक्रम शुरू होते हैं या फिर लड़की को हल्दी या तेल लगाया जाता है। तो हम लोग जा रहे हैं तेल चढ़ाने। देखिए हल्दी है, तेल है। एक कटोरी में से तेल हल्दी दुर्वा लिया जाता है। दुर्वा के बिना तो कोई पूजा पूरा ही नहीं होती है। और भाभी जी हमारी आ गई हैं मंदिर में, अब भी ये करेंगी पूजा। ये हमारा गांव का प्राचीन मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है, यही गांव का मेन मंदिर, पूरा गांव इसी में पूजा करता है। तो इसमें तेल हल्दी दुर्वा से चढ़ाया जाता, पैसे भी चढ़ाए भाभी। पूजा करके फिर हम लोग वापस घर गए। घर में ऐसे जो है गेहूँ चावल जो शादी के लिए बनता है उसके वो सब जो है उसका बनता है। ऐसे चाकी काढ़ी होती है, इसमें ऐपन से और गेरू से घेरा बना के इसकी पूजा होती है। उसके बाद जो है कन्याओं से, 5 या 7 कन्याओं से पहले लड़की को हल्दी लगवाई जाती है। और जो लड़की पहने रहती है कान में नाक में, वो सारी चीज़ें निकाल दी जाती है, क्योंकि आज से लगन लग गई जाती है, हल्दी के दिन से लगन चल जाती है। तो सिस्टर मेरी बहुत रो रही थी, हम लोग भी साथ में रो रहे थे, भाभियाँ भी रस्म कर रही थी, रो रही थी। चूड़िया थी होती हैं, इनको हाथ से नहीं उतारी जाती, जो चकिया होती है उसी की खूंटी से ही चूड़िया जो है एक भाभी फोड़ रही है, एक दूसरे अपने आंचल में ले रही हैं, इनको संजो के रखेंगी, क्योंकि बेटी घर का गहना होती है। मिलो हमारे बड़े और छोटे भाई से, इनके देखो कहीं जा रहे थे तैयार होके। पूछो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बनी का गोरा बदन दे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बनी का गोरा बदन।
क्या बनाना भाई नाचो सब लोग। चलो खुशबू सब। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर।